आना है, उसके बाद इसे करना है, तो यहाँ पे पत्थर आएगा। अगर थ्री टाइम्स में आपका व्हाइट होगा तो आप लकी होगा, अगर ब्लैक उठ जाएगा तो नहीं। तो फिलहाल अभी जैसे तैसे एक बाइक मैनेज करके यहाँ पे पहुँच जाए। ये टाउन से यहाँ पे 6 or 7 किलोमीटर इतना दूर होगा, तो यहाँ पे अभी पहुँचा है। तो ब्रिज ये है, तो ये ब्रिज ऊपर से एक नीचे से है, तो यहाँ ब्रिज पहुँचने के बाद आपको वो ऊपर से वहाँ गेट है, वो गेट को गेट से जाना है ऊपर, वो गेट से ऊपर जाना है। तो यहाँ पे कुछ लिखा है और ये है गेट, और यहाँ से सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। कुछ लिखा है यहाँ में, कंसम्पशन एंड कैरिंग ऑफ लिक्योर सिगरेट्स एंड टबैको प्रोडक्ट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो मेरा पास ऐसे कुछ नहीं है, तो हम जा सकते हैं। ये पानी भी पीने के लिए ये कुछ नहीं इसमें। तो यहाँ से शायद 100 से ज़्यादा स्टेप होगा, तो 200 भी हो सकते हैं, तो चढ़ के देखना पड़ेगा। वाह, यहाँ पे पाइन ट्री बहुत है, ऐसे लग रहा है कि जीरो में है जैसे, तो जीरो में भी पाइन ट्री बहुत होता है, तो जीरो में है जैसे जैसे लग रहा है पहाड़ और पाइन ट्री। तो हम लोग यहाँ से जाना है। ये गुफा इधर है क्या? गुफा नीचे है, मिनी झरना ले जाए। ओह, पहले मिनी झरना। मिनी झरना ठीक है, मिनी झरना। इसका नाम है ओबी मिवांग। बहुत शर्मिला है, हमेशा चेहरा छुपाते रहता है। तो ये पहले आ चुका है, इसीलिए हमको लेके आया है यहाँ पे। वो जानता है इसका बारे में, तो वो हमको कुछ कुछ बता रहा है, तो आज ये मेरा गाइड बनेगा। तो गुफा टाइप के पत्थर लोग ये अंदर घुसता है, लकी स्टोन नीचे में है ना, वहाँ पे लकी स्टोन, यहाँ पे लकी स्टोन। तो फिलहाल यहाँ पे एक बार एंट्री करेगा, यहाँ पे लॉक है, खुद खोल के घुसना है ऐसे कुछ है। तो जूता तो यहाँ पे खोलना पड़ेगा। क्या है वहाँ एक जगह? तो हम एंट्री करेगा, यहाँ पे कुछ कोई नहीं रहता है ना। हाँ ठीक है, तो अंधेरा है, काफ़ी अंधेरा है, तो प्लस लाइट जलाया है, बहुत अंधेरा है यहाँ पे, तो कोई इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे ही कुछ है गुफा, बा यहाँ पे ऐसे कुछ है गुरुद्वारा। तो इसमें होल है, तो ये होल का कुछ अभी नहीं जानते, मालूम नहीं ना, तो इसका बारे तो आप नहीं जानते, तो हम तो जानेगा नहीं, चलो वापस। तो और ये कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, अच्छा यहाँ पे लिखा है गुरु गोविंद सिंह, अच्छा ओके। तो चलिए अब बाहर की ओर। तो ये लकी स्टोन यहाँ से जाता है, तो हम लोग अभी जाएगा यहाँ से झरना। यहाँ पे कुछ इस तरह सा पत्थर है, और यहाँ पे कुछ कुछ है यहाँ, इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। पहले शायद यहाँ पे शेल्टर था, यूज़ करता था वो शेल्टर पर, क्योंकि यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं आता है, तो ऐसे कुछ है। झरना का आवाज़ तो यहाँ तक सुनाई दे रहा है, तो पतला पतला सा पानी का साउंड, इतना भरा नहीं होगा मेरा ख्याल से। ओहो ये है ना, तो इसको हम दिखाना पड़ेगा, नीचे जाएगा, ऊपर से ऐसे दिखता है झरना, ये अंदर है गुफा का अंदर से कुछ ऐसे लग रहा है, लेकिन ऐसे है नहीं। झरना ऐसे दिखता है, इतना खास नहीं है, पर झरना तो झरना है, बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया है, सुंदर है। आज बारिश दे रहा है, धूप नहीं है, तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, धूप होता तो शायद उजाला होता। तो यह
यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ चीज़ें हैं, ये जो आप पत्थर देख रहे हो स्टेप स्टेप से जो आदमी लोग इतना या ऐसे कुछ जान लीजिए आदमी बनाया हो इंसान जो बनाया होगा ऐसे कैसे यहाँ पे पत्थर स्टेप 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 जैसे कि ब्रिक्स को आप जैसे लगाते वैसे झरना इतना खास बड़ा नहीं है, झरना से ऊपर तो हम भी खड़ा जैसे लग रहा है। फिलहाल अभी वापस निकल रहे, अभी जाएगा लकी स्टोन, तो वहाँ पे क्या है उसको देखिएगा एक बार। ऐसे ऐसे घुमाने से उसमें तीन बार सफ़ेद पत्थर निकलने, अगर तीन बार निकल गया तो लकी है, नहीं निकला है तो बाहर में जाओ। चल रहे कुछ टूटा फूटा ऊपर से शायद लैंड स्लाइड, ऑलमोस्ट गिर चुका था हम। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ है, लकड़ी का है, इसमें कभी भी फिसल सकता है, बहुत स्लिप हो सकता है। पंकज लगा हुआ है हमेशा संभालते हुए, मेरे पास स्पोर्ट्स शू है तो हो जाना चाहिए। तो अभी थोड़ा बहुत डर तो रहता है, संभाल के चलना पड़ेगा। टूट चुका है, सर चुका है। यहाँ पे है एक ऐसे गुफा, जो पाप काम किया होगा तो वो यहाँ पे नहीं घुस पाएगा, तो जो पाप काम नहीं किया है वो यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, जितना भी मोटा हो क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ से घुसना है अंदर हम तो थोड़ा बहुत डर लग रहा है, हम बहुत पाप किए हैं। क्लास लाइट जलाना पड़ेगा। तो ठीक है, इस तरह से है यहाँ पे गुफा, ये इसको क्रॉस करना है। तो अरे हम तो घुस ही नहीं रहे, बोले मजाक किया है भाई। चल रहे चल रहे, पार उस तरफ पार करना है ना। अरे ये तो बहुत थोड़ा बहुत डरावना है, कुछ स्नेक वगैरह हो सकते हैं, डर लगता है। ओहो यहाँ पे क्रॉस हो गया, वाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा आदमी है और भी बहुत लोग आया हुआ है यहाँ पे। तो लकी स्टोन वहाँ से देगा, ये सीढ़ी डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल पे है, कोई इधर उधर नहीं। शॉर्ट ऑफ मरना चाहता है तो आप डायरेक्ट जंप मार सकते हैं, लेकिन जंप मार के नीचे पाऊँ का हालत क्या होगा वो पता नहीं। 90 डिग्री एंगल सीढ़ी। पहले जो हम लोग जहाँ से आए थे, जहाँ बाइक रखा है वो ब्रिज यहाँ से दिखाई देगा, वो ब्रिज यहाँ से है। तो यहाँ पे और भी लोग आया हुआ है, बच्चा लोग है, फैमिली है शायद। ये यहाँ पे जो हॉल है, ये हॉल में ऐसे हाथ घुमाना है, उसके बाद ऐसे करना है, तो यहाँ पे पत्थर आएगा। अगर 3 times में आपका वाइट होगा तो आप लकी होगा, अगर ब्लैक उठ जाएगा तो लकी तकी कुछ नहीं है। तो अभी हम कोशिश करेगा, इसे ही लाना है ना। हाँ सर रुक गया, ठीक है, ये तो ब्लैक ना, तो ब्लैक व्हाइट क्लास में व्हाइट है, व्हाइट है। मेरा तो लकी होता नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाके भी लकी नहीं होता है, तो शायद अनलकी ही आती है। यहाँ पे 3 holes है, 1 है 2 है 3 है, हम यहाँ पे और कोशिश नहीं करेगा क्योंकि हम अनलकी ही होगा, इसलिए यही है इसको ही कोशिश करेगा। तो चलो हो गया, यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको दिखा दो, यहाँ पे कुछ लिखा है, क्या लिखा है? जस्ट ट्राई लकी स्टोन, जस्ट ट्राई स्टोन, और जस्ट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ओ लकी स्टोन लिखा है बस वही है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे लकी सकी सब कुछ ट्राई कर चुका है, लेकिन हम दोनों ही लकी नहीं, इसका तो 3 बार ही काला, कम से कम मेरा लास्ट में एक वाइट स्टोन तो होता है। तो अभी यहीं से ये ऊपर में ऐसे है, तो यहाँ से ये सीढ़ी है, पहले का जो गुफा से अंदर आया था वहाँ से नहीं जाएगा, अभी यहाँ से शॉर्टकट। तो ये भी स्लिप हो सकते, फिसल सकते, यहाँ पे पाऊँ जूता बहुत, इस सीढ़ी को थोड़ा बहुत रिपेयर करना चाहिए था। पर यहाँ पे सब कुछ आर्मी वाला करता है, तो उन लोगों के पास इतना समय भी नहीं होता होगा ये सब के लिए। तो यहाँ निकल चुका है अभी,
फिर नीचे जाएगा, उसके बाद वहाँ पे लेफ्ट साइड पे गुरुद्वारा है, वहाँ एक बार विजिट करके देखेगा। फिलहाल बाहर निकल चुका है तो यहाँ से शायद ऊपर वहाँ है गुरुद्वारा, तो चलो वहाँ भी एक बार विजिट कर लेगा। तो यहाँ पे पहुँचने वाला है, यही सामने पे वो गेट दिख रहा है, वही है गुरुद्वारा। तो यही से एंट्री करने नीचे डाउन यहाँ पे है। तो यहाँ से गुरुद्वार पहुँचने के बाद आपको दिखाएगा। यहाँ पे पहले पूरा लोहा से बना हुआ था, अभी नया लगाया है, सीमेंट कंक्रीट से बना चुका है। तो यहाँ पे ऊपर पहाड़ है पूरा, यहाँ पे हम तो ऐसे लग रहा है कि जीरो में है, जीरो जीरो सा लग रहा है, पता नहीं बोमदिला ऐसे भी लग रहा होगा, लेकिन हम तो बोमदिला गया नहीं है ना। एक्चुअली यहाँ पे माइक भी लगाया हुआ है, पता नहीं क्या करने के लिए माइक है, यहाँ पे माइक भी है। तो एक्चुअली इस जगह का बारे में बिल्कुल पता नहीं है, हम ना मेरा दोस्त भी बिल्कुल पता नहीं है, तो ऐसे ही बस घूमने के लिए आए, कुछ बताने के लिए भी कुछ जानता नहीं है, तो जानना पड़ेगा बताने के लिए, तो कुछ जानता नहीं है तो कुछ बता नहीं पा रहे। तो यहाँ पे इस तरह से है, तो यहाँ पे उन लोग शायद रहता है, और नीचे एक म्यूजियम भी है। तो अभी पूरिया चेंज, तो यहाँ पे ये बनना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए, और यहाँ पे जूता खोलना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए। तो चलो भीजा है, पानी पानी है, तो भी जाना तो है, इतना दूर से आया है, तो सिर्फ यहाँ से ऐसे है। वहाँ पे म्यूजियम है, बस उसको देखने के लिए आपको ये बांधना पड़ेगा, क्या बोलता है इसको वो भी पता नहीं। ये जो सिखों के गुरु हैं पूरे, हाँ जैसे वो फर्स्ट गुरु है ना, ये ऐसे इनकी लड़ी चली है, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये टेंथ तक थे, दस गुरु साहिबान, उसके बाद ये ग्यारहवें गुरु गुरु ग्रंथ साहिब, जो ये अभी जुगो जुगो तक यही रहेंगे हमारे गुरु। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, जैसे आप में है ना दलाई लामा वगैरह, है ना, वैसे ये पहले चले थे, जो मतलब फिजिकली गुरु थे, शरीरिक गुरु थे, मतलब शरीर रूपी गुरु इनको माना गया था। उसके बाद जो दसवें गुरु थे, इन्होंने बोल दिया कि आज से भी हम जब जो दुनिया से जाने वाले थे, तो उन्होंने ये मतलब पांच पैसे और नारियल गुरु ग्रंथ साहब के आगे रख के ये बोल दिया था कि आज से हमारे गुरु जय ही है, ये हमारे मतलब शब्द रूप गुरु है, इसमें पूरा गुरु ग्रंथ साहब में पूरे शब्द पूरी गुरबाणी दर्ज की गई है। तो ये मतलब कोई भी जो आगे जैसे सिख है, कोई पाठी सिंह है, कोई ग्रंथी सिंह है, वो गुरबाणी पढ़ के उसी शब्द का निचोड़ निकाल के मतलब पूरी दुनिया को जैसे आपको बताएगा विस्तार सहित कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, वो इसी शब्द रूपी गुरु ग्रंथ साहब जी, तो इसलिए हम आज से इसको गुरु मानते हैं। अच्छा, वहाँ गए क्या है, आते हुए आए थे इधर से, मतलब चाइना बॉर्डर से, चीन से वापस आ रहे थे, तिब्बत आते समय इधर रुके थे, तो उधर बैठे थे, तप कर रहे थे, जब तप कर रहे थे उनके ऊपर भालू ने अटैक किया था, जो पत्थर बना हुआ है ना बड़ा, उनकी बीच में सफी है, तो उसके मतलब पीठ लगा के ऐसे तप कर रहे थे, उनके ऊपर भालू ने अटैक कर दिया, जब अटैक किया तो पत्थर 20 फुट ऊपर उठ गया था, ये कौतुक दे के बालू भाग गया, और जब गुरुजी और उनके साथी तप करके उठे थे तो उनकी बॉडी और पगड़ी के निशान उधर छप गए थे, जो पत्थर है मुंह बन गया था। अच्छा, हाँ ये मतलब लड़ीवार चले है ना, हाँ। जैसे फर्स्ट गुरु, सेकंड गुरु, जैसे आप में दलाई लामा है ना, अभी आपके कितने आठवें गुरु चल रहे हैं, आठवें गुरु तो आप गुरु नानक देव जी को मानते हो ना, दलाई लामा बोलते हो ना, नानक लामा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसे कुछ है, सर ने बहुत बात बताया है लेकिन हम कुछ समझा नहीं। यहाँ पे डोनेशन बॉक्स है कुछ, तो मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो इसलिए बस 50। तो अब जो भी गुरु है बहुत अच्छा गुरु है। तो चलो, तो हो गया सब कुछ यहाँ का, अंदर का बहुत कुछ बताया है लेकिन इतना कुछ समझा नहीं। ओ, तो अभी म्यूजियम में एक बार विजिट करेगा, यहाँ पे क्या है देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे म्यूजियम है, वाई गुरु, वाई गुरु,
तो यहाँ पे खुद खोल के घुसना है। वाह, ये म्यूजियम में यहाँ पर मैप है, हिस्ट्री ऑफ मेंचुका गुरुद्वारा एंड तपोस्तान कुछ लिखा है उस ऊपर में। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे कुछ है, अगर कोई इंटरेस्ट है तो इसको पुश करके पढ़ सकते हैं। ऐसे कुछ है, फिलहाल ओवरऑल तो ऐसे दिखता है म्यूजियम। तो आपको हम इसको भी पुश करके उसका जो गुरु कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, शायद ये है, तो ये अरुणाचल का मैप है, तो अरुणाचल में कहाँ ट्रैवल किया, तो इसमें भी कुछ स्टोरी है उसका, तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी है, पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। तो ये है गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी। तो यहाँ पे है उसका लिस्ट, गुरुओं का लिस्ट, तो पार्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शायद बहुत कुछ है। तो ये है उनका पिक्चर फोटो, तो यहाँ पे लिखा है 10 सिख गुरु। तो ये है गुरु गोविंद सिंह जी, 10 नंबर, और उसका स्टोरी यहाँ पे है। तो इसके बाद तो ये है, हाँ तो देख लो, तो इसका स्टोरी यहाँ है, पढ़ सकता है। तो इस तरफ अंधेरा है पर भी कोशिश करेगा। तो ये है, अगर इंटरेस्ट वाला स्टोरी इसका नीचे यहाँ पे है, पूछ करके पढ़ सकता है। तो ये है यहाँ पे बहुत ही डरा बना, तो उसका ये है, तो स्टोरी इसका यहाँ पे है, पढ़ सकते हैं। तो और लास्ट नहीं, ये एक है, ये बाबा दीप सिंह जी, तो उसका स्टोरी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पूछ करके। एक यहाँ है, ऊपर लिखा है कुछ गुरु गोविंद सिंह जी, तो उसका स्टोरी है यहाँ। यहाँ पे ऐसे कुछ है, तो ये तो बिल्कुल बहुत अंधेरा हो चुका है, शायद कुछ क्लियर नहीं होगा, मैनेज कर पाता है तो ठीक है। तो इस तरह से तो यहाँ भी कुछ है, इसका कुछ लिखा हुआ है, शायद ऐसे क्लियर होगा। हाँ, तो ये भी कुछ है, गुरु द्वारा गोल्डन टेम्पल, यहाँ पे म्यूजियम पे रखा हुआ है। तो स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप पढ़ेगा तो बताने इतना समय लग जाएगा, तो इसलिए शॉर्टकट में थोड़ा बहुत, तो खुला रख दो। तो फिलहाल तो बस इतना ही है, तो नेक्स्ट टाइम और एक बार हम मेंचुका आएगा तब जाके आपको पहाड़ का ऊपर दिखाएगा बर्फ को, तो इस बार तो मुश्किल ही हो रहा है, नहीं जा पा रहे, तो नहीं हो पाएगा इस बार। तो नेक्स्ट टाइम सीयू आएगा आके, तब हर जगह दिखाएगा।